Hey class, once again I'm here with a new video. Good morning to all dear students. Look at here, class, once again I discuss about that your new revision work. This is your number 6 revision. All students must watch video and follow all guidelines, complete your revision work, learn properly for the final examination purpose. So all students must watch video. Class, look at here. Dear students, आज हम synonyms words पढ़ेंगे. आपका revision 6 है तो सभी बच्चे revision 6 में synonyms words तैयार करेंगे. तो बेटा आपको इसको पहले से लिखाया गया है, बट कोई बात नहीं, आप सभी बच्चे इस revision work को फिर से लिखकर practice करेंगे. इस बार आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के purpose से आपको revision work complete करना है. जैसे कि आप यहाँ पे revision 6 मेंशन कर तो देंगे, लेकिन यहाँ पे जितने भी साइनोनिम्स वर्ड्स लिखेंगे, पहले आप सिर्फ वर्ड्स लिखेंगे और उसके बाद से अपने आप से याद करने के बाद साइनोनिम्स लिखेंगे. इससे क्या होगा, आपका रिटेन प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा. तो बोथ लाइंस आपको लिखनी है, ठीक है. आप जैसे गुड का फाइन, इन्फेंट का बेबी, सेलेक्ट का चूज, सारे साइनोनिम्स वर्ड्स को फिर से लिख कर याद करिए. एंड कुछ बच्चे सिर्फ मार्क कर ले रहे हैं, तो अगर आपसे मार्क करने के लिए कहा जाता है तो सिर्फ आप मार्क करिए. अगर आपको लिखकर प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है तो आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. डियर स्टूडेंट्स, ये आपके इंग्लिश ग्रामर से 104 पेज नंबर से लिया गया रिविज़न वर्क है. इसमें आपको एक्सरसाइज सी, ओके, ओनली एक्सरसाइज सी रिवाइज करना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल स्टूडेंट्स. सो ऑल स्टूडेंट मस्ट राइट इन योर नोट्स अगेन एंड लर्न प्रॉपरली. बच्चों, आपको जहाँ पर जितने भी रिविज़न वर्क बताए जाएँ उनको आप नंबर वाइज ही लिखिए, जिससे कि आपको आसानी से याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, तो बच्चों इसको आपको अपने कॉपी में लिखना है, और आप किसी भी कॉपी में नहीं, सिर्फ इंग्लिश की कॉपी में लिखिए, जिससे आपका सारा रिविज़न वर्क इकट्ठा हो. तो समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से वर्क कंप्लीट करने हैं. रिवीजन 6 में साइनोनिम्स वर्ड्स आज का टॉपिक है, तो आप यहाँ पे सारे दिए गए साइनोनिम्स वर्ड्स को, यहाँ पे वन वर्ड्स हैं, इसको लिखकर याद करिए. नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज सिक्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल स्टूडेंट्स लर्न प्रॉपरली एंड मेक प्रैक्टिस, इसको भी आप तैयार करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना, आपको इसको कॉपी में लिख कर याद करना है. Class, enjoy your work and learn properly for the purpose of your final examination. Thank you.